हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग मृक्षकटिका बाय सूद्रका के थीम्स को डिस्कस करेंगे और मृक्षकटिका पर एक डिटेल्ड और इस जिसमें एक्ट वाइज समरी को डिस्कस कर दिया गया है, उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मृक्षकटिका का थीम्स है, ये पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और ये 5 मार्क्स का था, तो इसे मैं उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बता रही हूँ। बट अगर आपको इस बार 15 मार्क्स का भी अगर आ जाए तो आप यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन को लिखेंगे पहले एंड देन यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे थीम्स, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद थीम्स, और उसके बाद थीम्स के बाद आपको एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। तो यहाँ पे तो मैं इंट्रोडक्शन में इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखी हूँ, बट जो मेरी वीडियो है मृक्षकटिका की डिटेल्ड समरी पर, वहां पर एक बड़ा सा लिखा हुआ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी, तो वहां वाले इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं थीम्स को। तो यहाँ तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसे आप खुद से पढ़ लें। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सबसे पहला थीम की ओर, जो कि है लव। लव इज अ सेंट्रल थीम इन द प्ले। तो लव जो है ये सेंट्रल थीम है इस प्ले में। चारुदत्ता हु इज अ पुअर बट काइंड फॉल्स इन लव विद वसंत सेना अ वेल्दी कॉटिशन। तो इस प्ले का एक प्रोटागोनिस्ट हम लोग कह सकते हैं चारुदत्ता। ये एक पुअर ब्राह्मण होता है लेकिन ये बहुत ही काइंड था, जिसे प्यार हो जाता है एक वेल्दी कॉटिशन वसंत सेना से। देयर लव इज प्योर एंड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ क्लास एंड वेल्थ। और उन दोनों का जो प्यार है वो प्योर है और वो क्रॉस करती है बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज ऑफ क्लास एंड वेल्थ, मतलब कि वेल्थ और क्लास से भी परे है उन दोनों का प्यार। वसंत सेना लव्स चारुदत्ता फॉर हिज नोबल हार्ट नॉट हिज मनी। और वसंत सेना जो है वो चारुदत्ता के नोबल हार्ट से प्यार करती है, ना कि उसके मनी से, और ना ही उसके मनी के लिए उसे प्यार करती है। और मनी है भी कहाँ चारुदत्ता के पास, वो तो अभी पुअर हो गया है। दिस शोज दैट ट्रू लव कैन एग्जिस्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल लेवल्स। और ये चीज हमें दिखाती है कि ट्रू लव जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, वो दिखाई दे जा सकती है किसमें, तो उन पीपल्स में जिनका सोशल लेवल्स डिफरेंट है। एक तरफ कहाँ पे चारुदत्ता जो अभी पुअर है, एक पुअर ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ जो है वसंत सेना वो बहुत ही वेल्दी है और वो एक कोटेशन है, जबकि जो चारुदत्ता है वो एक ब्राह्मण है। उसके बाद नेक्स्ट थीम है, दूसरा थीम पॉवर्टी। चारुदत्ता वॉज ऑन्स रिच बट इज नाउ पुअर। तो चारुदत्ता जो कभी रिच हुआ करता था वो अभी पुअर है। इवन दो ही हैज लॉस्ट हिज वेल्थ, और अभी वो अपने वेल्थ को लॉस्ट कर चुका है, ही रिमेन्स काइंड एंड जेनरस। लेकिन फिर भी वो काइंड है और जेनरस है, उदार है, दयालु है। हिज पॉवर्टी डज नॉट चेंज हिज गुड नेचर। और उसकी जो गरीबता है वो उसके गुड नेचर को चेंज नहीं कर पाई। द प्ले शोज दैट बीइंग पुअर डज नॉट मेक अ पर्सन लेस वैल्यूएबल और लेस वर्चुअस। ये प्ले हमें दिखाती है कि अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेस वैल्यूएबल है, उसमें उसकी वैल्यू नहीं है उतना, उसका महत्व नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उसमें वर्चू नहीं है, उसमें गुण नहीं है। सोसाइटी हाउएवर ऑफन जजेस पीपल बेस्ड ऑन देयर वेल्थ। लेकिन जो समाज है वो पीपल को जज करता है उसके वेल्थ से। अगर किसी के पास वेल्थ ज्यादा है तो वो वर्चुअस है, वो वैल्यूएबल है, अगर नहीं है या कम है तो वो कम वैल्यूएबल है, लेस वर्चुअस है। फिर आता है हमारा थर्ड थीम जो कि है जेलेसी। द कैरेक्टर संस्थानका द विलन इज फुल ऑफ जेलेसी। तो संस्थानका जो है ये इस प्ले का विलन होता है, हम लोग कह सकते हैं एंटागोनिस्ट था ये, और ये जेलेसी से भरा हुआ है। ही एनवीज चारुदत्ता'स नोबल कैरेक्टर एंड द लव वसंत सेना हैज फॉर हिम। और संस्थानका को जेलेसी है, ईर्ष्या है किससे, तो चारुदत्ता के नोबल कैरेक्टर से, कि उसका कैरेक्टर इतना अच्छा कैसे है इसके बावजूद भी कि वो गरीब है। और वसंत सेना जो प्यार करती है चारुदत्ता से, उस चीज से भी जेलेस है संस्थानका। संस्थानका जेलेसी ड्राइव्स हिम टू कमिट क्रूअल एक्ट्स। और उसी जेलेसी, वही जो जेलेसी है संस्थानका में, उसी के कारण वो कई सारे ऐसे क्रूअल एक्ट्स करता है, जैसे कि हो गया सच एस ट्राइंग टू किल वसंत सेना। एक बार को तो वो वसंत सेना को मारने की भी कोशिश करता है जब वो उसे शादी के लिए मना नहीं पाता है। तो
दिस शोज दैट जेलेसी कैन मेक पीपल डू बैड थिंग्स एंड हार्म अदर्स। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जेलेसी किस तरह से पीपल से बुरे काम करवा सकती है और वो दूसरों को कैसे हार्म करने लग जाता है जेलेसी के कारण। फिर है हमारा नेक्स्ट थीम फ्रेंडशिप। द फ्रेंडशिप बिटवीन चारुदत्ता एंड मैत्रेय इज स्ट्रांग। तो चारुदत्ता और मैत्रेय का जो फ्रेंडशिप है ये स्ट्रांग है। इवन वेन चारुदत्ता बिकम्स पुअर, मैत्रेय रिमेन्स अ लॉयल फ्रेंड। तो चारुदत्ता जो पुअर बन जाता है फिर भी जो उसका फ्रेंड है मैत्रेय वो उसके साथ लॉयल रहता है। दिस शोज दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट बेस्ड ऑन वेल्थ बट ऑन ट्रस्ट एंड सपोर्ट स्पेशली इन हार्ड टाइम्स। तो यहाँ पे हमें इस प्ले में देखने को मिलती है कि मैत्रेय जो है वो चारुदत्ता के बुरे समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो ये प्ले हमें सिखाती है कि जो ट्रू फ्रेंडशिप है वो वेल्थ पर बेस्ड नहीं होती है कि अगर किसी के पास वेल्थ है तो उसे फ्रेंडशिप रखो, नहीं है तो नहीं रखो, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो ट्रस्ट पर बेस्ड होता है एंड सपोर्ट पर, स्पेशली अगर आप किसी का मदद करें उसके हार्ड टाइम में तो ही आप उसके अच्छे फ्रेंड हैं, उसके ट्रू फ्रेंड हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट लॉयल्टी। लॉयल्टी इज एन इम्पॉर्टेंट थीम इन द प्ले। लॉयल्टी भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस प्ले में। वसंत सेना स्टेज लॉयल टू चारुदत्ता इवन वैन हर लाइफ इज इन डेंजर। तो वसंत सेना जो है वो चारुदत्ता के लिए लॉयल रहती है इसके बावजूद भी कि वसंत सेना का लाइफ वो डेंजर में होता है। चारुदत्ता ऑल्सो स्टेज ट्रू टू हिज वैल्यूज एंड नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। और जो चारुदत्ता है वो भी हमेशा ट्रू रहता है अपने वैल्यूज पर और वो भी कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करता है। इवन वैन ही इज फॉल्सली अक्यूज, और जब उसे फॉल्सली अक्यूज किया जाता है कि उसने ही वसंत सेना को मारा है फिर भी वो बुरे काम नहीं करता है। लॉयल्टी इज सोन एज अ वर्च्यू डेट कॉन्ट्रास्ट विद बिट्रेयल। और यहाँ पे लॉयल्टी बिट्रेयल के कॉन्ट्रास्ट दिखाई गई है, मीन्स लॉयल्टी जो है वो बिट्रेयल के ठीक विपरीत होती है। फिर आता है हमारा सिक्स नंबर इनजस्टिस। इनजस्टिस इज अ मेजर थीम। चारुदत्ता इज रॉन्गली अक्यूज ऑफ किलिंग वसंत सेना। तो चारुदत्ता पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि वही वसंत सेना को मारा था। बिकॉज ही इज पुअर नो वन लिसन्स टू हिम। और क्योंकि जो चारुदत्ता है वो पुअर होता है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। एंड ही फेसेस अ करप्ट लीगल सिस्टम। और उसे एक करप्ट लीगल सिस्टम को फेस करना पड़ता है जहां पे जो सुप्रीमेसी होती है वो वेल्दी लोगों की होती है, वेल्दी लोगों की बातें सुनी जाती है, वो लोग जो भी कहे पुअर के खिलाफ वो सही मान ली जाती है। द प्ले शोज हाउ पावरफुल पीपल ऑफन यूज देयर पावर अनफेयरली। और ये प्ले हमें ये भी दिखाती है किस तरह से जो पावरफुल पीपल होते हैं वो अपना जो पावर है वो गलत तरीके से यूज करते हैं पुअर पीपल के लिए के खिलाफ, एक्चुअली पुअर पीपल के खिलाफ। एंड हाउ द पुअर सफर बिकॉज ऑफ इट। और किस तरह से पुअर पीपल को सफर करना पड़ता है इस करप्ट लीगल सिस्टम के कारण। बट इन द एंड जस्टिस इज रिस्टोर्ड। लेकिन यहाँ पे एंड में क्या होता है, जस्टिस प्रिवेल करती है, जस्टिस रिस्टोर हो जाती है। When the truth is revealed, जब truth जो है वो सामने आता है कि वसंत सेना को चारुदत्ता ने नहीं मारा था, actually वसंत सेना का death ही नहीं हुआ था, वो बेहोश पड़ गई थी उस garden में, बेहोश हो गई थी जब समस्थाना का उसका गला दबा रहा था उस time। फिर आता है हमारा next point, hope. Despite the hardships, hope is present throughout the play. यहाँ पे बहुत सारी हार्डशिप दिखाई गई है वसंत सेना के लिए, चारुदत्ता के लिए और भी अदर कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन इसके बाद भी होप जो है वो प्रेजेंट होती है इस प्ले में और उन कैरेक्टर्स में। चारुदत्ता एंड वसंत सेना नेवर गिव अप होप। चारुदत्ता और वसंत सेना कभी भी होप नहीं छोड़ते, आशा नहीं छोड़ते, इवन वैन फेसिंग डेंजर और फॉल्स एक्यूजेशंस। जबकि उन्हें डेंजर और गलत इल्जाम को भी झेलना पड़ता है फिर भी वो एक उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं कि रिवील होगी ट्रूथ और उन्हें न्याय मिलेगा। द प्ले एंड्स विद अ होपफुल मैसेज शोइंग दैट लव एंड जस्टिस कैन ट्रायम्फ इन द एंड। और फिर ये इस प्ले की एंडिंग होती है एक होपफुल मैसेज से कि जो लव और जो जस्टिस है वो अंत में जीतती है, उसकी ही विजय होती है। और यहाँ पे हमारा सारा थीम खत्म हुआ, उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन है। इन वृक्ष कटिका दीज थीम्स ऑफ लव, पॉवर्टी, जेलेसी, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, इनजस्टिस एंड होप कंबाइन टू शो अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड द चैलेंजेस पीपल
फेस इन सोसाइटी। तो ये सारे जो थीम्स है, लव, पॉवर्टी, जेलेसी, फ्रेंडशिप, इनजस्टिस, ये सारे थीम्स कंबाइन होकर के हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग देती है हमें ह्यूमन इमोशंस की, और उन चैलेंजेस से रूबरू कराती है जो किसी पर्सन को फेस करना पड़ता है एक सोसाइटी में, एक करप्ट सोसाइटी में, जहाँ पे जो वेल्दी पीपल होते हैं उनकी सुपरीमेसी होती है, उनकी बातें मानी जाती है और पुअर पीपल को सताया जाता है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।